हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइट फॉर द डायरीज। मैं हूँ देवश्री एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने बालों को कैसे कर्ली करती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको सच में जानना है कि मैं अपने बालों को कैसे कर्ली करती हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई वीडियो नहीं है ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियोज, लेकिन उनको सिर्फ मुझसे ही जानना है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ एंड आपके साथ शेयर करूँ कि मैं क्या करती हूँ मेरे बालों को कर्ली करने के लिए। तो ये रहा ये वीडियो आपके लिए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत हम करेंगे क्लीन बालों के साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे बालों पे ऑयल लगाया, एक घंटे रखा मैंने हेयर पे ऑयल को। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, शैम्पू से हेयर को वॉश किया। वॉश करने के बाद कंडीशनर लगाया एंड नाउ माय हेयर इज 90% वेट, 10% ड्राई हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि मैं घर पे यहाँ वहां घूम रही थी तो 10% ड्राई हो चुका है। अगर आपका बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो आप कर्ल अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो हेयर का जो यू नो टेक्सचर होता है वो जैसा है आपका ओरिजिनल वैसे ही हो जाता है। तो इसी वजह से बाल थोड़ा गीला हो तो ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं अपने बालों पे लगाने वाली हूँ हेयर सीरम। आप कोई भी सीरम ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया है एम कैफेन का हेयर सीरम एंड इसके फ्यू ड्रॉप्स ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो हेयर ऑयल भी यूज कर सकते हो, पर मेक श्योर कि बहुत कम क्वांटिटी पे आप लगाओ एंड इट्स नॉट समथिंग आपको लगाना है, आपको बस थोड़ा सा डैप करना है। क्योंकि अगर आपने गीले बालों पे ऑयल थोड़ा सा लगाया, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आपके बाल एकदम से फ्लैट हो जाएंगे, ऐसे सूखेंगे ही नहीं। तो इसी वजह से बहुत कम क्वांटिटी, एक से दो ड्रॉप लीजिए एंड पूरी बालों पे लगाइए हेयर ऑयल। तो अब मैं सीरम लगा रही हूँ। सी अभी भी वाटर ड्रिप कर रहा है। सीरम लगाने के बाद मैंने एक वाइट टूथ कॉम्ब लिया है एंड इससे मैं अपनी बालों को डिटैंगल करूंगी। सबसे पहले मैं अपने बालों को डिटैंगल करने से पहले मिडिल पार्ट करती हूँ कुछ इस तरह से एंड रेस्ट आप पीछे की तरफ भी मिडिल पार्टीशन कर सकते हो या फिर आप बालों को इक्वल सेक्शन में ऐसे डिवाइड कर लो एंड धीरे धीरे नीचे से लेके ऊपर तक जाओ। यहाँ से ऐसे नहीं करना है आपको, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं। तो आपको यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाना है, क्योंकि हेयर वॉश करने से पहले जब मैंने ऑयल लगाया तो मैंने मेरे बालों को अच्छे से डिटैंगल कर लिया था, इसी वजह से मेरे बालों में इतने ज्यादा नॉट्स नहीं बने हैं। ओके, तो मेरा बाल डिटैंगल हो चुका है। अब मैंने लिया है पैंटीन का प्रो वी ऑयल रिप्लेसमेंट क्रीम एंड सबसे मजेदार वाली बात यह है कि अगर आपके पास कोई कर्ली क्रीम नहीं है या फिर ऐसा कोई क्रीम नहीं है, हेयर जेल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बॉडी लोशन जो होता है, जी हाँ, जो बॉडी लोशन हम बॉडी पे लगाते हैं वो वाला बॉडी लोशन लीजिए आप एंड हेयर पे लगाइए, क्योंकि मेरे बाल थोड़े लंबे हैं तो इसी वजह से मैंने इतना सारा लिया है। अब मैं इसको इसके बिना भी आप बालों को कर्ली कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कर्ली नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कर्ली करोगे ना इसके बिना या फिर कोई क्रीम के बिना या फिर कोई बॉडी लोशन के बिना, तो आप जब कर्ली करोगे एंड आपका बाल ड्राई हो जाएगा उसके बाद बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी लगेगा, तो इसी वजह से इसको लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बालों को तीन ऐसे सेक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला सेक्शन मैंने ले लिया है नीचे का। मैंने ब्लो ड्रायर के ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसपे बिगिनर्स को स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से मुझे जितना ज्ञान है वो सब शेयर किया है मैंने कि बालों को कैसे स्ट्रेटन किया जा सकता है ब्लो ड्रायर से, तो उसका भी एक वीडियो है एंड उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्शन। इसको क्या करेंगे, इतना सा बाल लिया मैंने, अब आपको एक ऐसा क्लोज टूथ वाला कॉम्ब लेना है। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं बालों की एंड उसको कॉम्ब करना है आपको। कॉम्ब करने के बाद दो फिंगर्स के बीच में रख के उसको रोल करना है कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ एंड ऐसे ही हम बालों की छोटी छोटी सेक्शंस लेंगे एंड उसको कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने के बाद उसको फिंगर से रोल करेंगे। बालों को कॉम्ब करके रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके जो कर्ल्स बनेंगे वो फ्रीजी नहीं लगेंगे।
तो फर्स्ट सेक्शन हो चुका है, अब हम दूसरा सेक्शन निकालेंगे। अब हम दूसरे सेक्शन के बालों को भी ऐसे ही कोम्ब और रोल करेंगे। ये रहा हमारा लास्ट सेक्शन। तो बालों का ऐसे फिंगर्स से मैंने कर्ल कर लिया है, जहां तक पॉसिबल हो सकता था वहां तक किया है मैंने। अब मैंने लिया है एक ब्लो ड्रायर, ये एक प्रोफेशनल ब्लो ड्रायर है एंड इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगेन मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको परचेस करना हो तो वो लिंक से आप परचेस कर सकते हो। एंड इसके साथ मैंने लिया है एक डिफ्यूजर। ये डिफ्यूजर ये ब्लो ड्रायर के साथ मुफ्त आता है, लेकिन अगर आपको अगर आपके पास एक ब्लो ड्रायर है एंड उसके साथ डिफ्यूजर नहीं है तो ये आप एक्स्ट्रा भी खरीद सकते हो। दिस कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 500 to 600 रुपीज, डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो ये एक चाहिए आपको। ये जो डिफ्यूजर है ना, ये क्यों यूज किया जाता है, इसमें बहुत सारे होल्स है राइट, तो यहां से जो एयर आएगा ना पूरी तरह से स्प्रेड होके आएगा। एंड इसमें जो स्पाइक्स है ना, तो ये आपके बालों को ऐसे नीचे से स्क्रंच होगा, तो इसी वजह से ऐसे स्पाइक्स होते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे होल्स होते हैं जिससे कि एयर अच्छे से पास हो। तो इस डिफ्यूजर को अब मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। हो गया। अब आपको डिफ्यूजर को कुछ इस तरह से चलाना है जैसे मैं चला रही हूँ, नीचे से ऊपर की ओर। डिफ्यूजर को आपको तब तक चलाना होता है जब तक आपके बालों में अच्छा खासा वॉल्यूम ना आ जाए। तो डिफ्यूजर के बाद मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं, देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है एंड मेरे बालों का जो नेचुरल कर्ल है वो भी दिख रहा है। लेकिन मुझे जैसा कर्ल्स चाहिए वो हेयर कर्लर से ही मिलेगा एंड इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे फिलिप्स का हेयर कर्लर, ये वाला। एंड इसके साथ आता है दो अटैचमेंट्स, एक तो थिन वाला है एंड उससे थोड़ा सा मोटा वाला ये है। एंड इसको मैंने लिया था आज से 10 साल पहले एंड अभी तक ये बहुत अच्छे से चल रहा है। मैं जल्दी से मेरे सारे बालों को कर्ल कर लेती हूँ। ये रहा एक बालों का पतला सा सेक्शन। अब मैं कलर को रूट की तरफ पकड़ रही हूँ एंड बालों को इसकी चारों ओर ऐसे घुमाना है एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में मुझे करीब 40 to 45 मिनट्स तक लगा। अगर आप नया नया ये ट्राई कर रहे हो तो बी पेशेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। सारे कल ट्रीट होने के बाद मैं बालों को और एक बार डिफ्यूज़ कर रही हूँ ताकि बालों के बीच अगर कोई मॉइस्चर रह गया होगा तो वो ड्राई हो जाए और बालों में और थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। सो अब बाल कुछ ऐसे लग रहे हैं मेरे। I hope you guys enjoyed watching this video. If you did, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. And I'll see you guys in the next vlog. Till then, take care. Bye-bye.